आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देश भर में होली धूमधाम से मनाई गई, हर कोई रंगों में सराबोर नजर आया। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने भी होली के मौके पर देशवासियों को बधाई दी और शोभा यात्रा के दौरान लोगों पर जमकर गुलाल और गुलाब की पंखुड़ियां उड़ाकर उनको होली की बधाई दी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में योगी की होली। देश भर में होली का त्योहार खूब धूमधाम से मनाया गया। पूरा देश होली के रंग में सराबोर नजर आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होली समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर कोई एक साथ रंगों का त्योहार मना रहा है। इस त्योहार को मना रहे लोगों के बीच जाति, वर्ग या क्षेत्र को लेकर किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में खड़ा होना हमारी सांस्कृतिक ताकत है। सीएम योगी बुधवार को होली के पावन पर्व पर घंटाघर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्री होलिकोत्सव समिति की ओर से निकलने वाली रंग भरी शोभा यात्रा के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। सभी नागरिकों को होली की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सामूहिकता के भाव से उत्साह, उमंग और सकारात्मकता को एक दूसरे में बांटकर आगे बढ़ते रहेंगे तो समाज में कहीं भी कोई अभाव नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में 2 वर्षों तक पूरी दुनिया कोरोना से प्रभावित थी, हर व्यक्ति के मन में संशय रहता था, पर आज कोरोना का भय दूर हो गया है, कोरोना पूरी तरह से समाप्त है और सभी लोग उमंग व उत्साह से पर्व त्योहार मना रहे हैं। हमारे पर्व और त्योहार सामूहिकता के दर्शन है। जैसे एक व्यक्ति से यज्ञ नहीं हो सकता, उसी तरह से एकाकी भावना से पर्व व त्योहार भी नहीं मनाए जा सकते। लोगों को होली की बधाई देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान नरसिंह की विधि विधान से आरती उतारी। उन्होंने लोगों के ऊपर जमकर रंग, अबीर, गुलाल व गुलाब की पंखुड़ियां उड़ाई। देखते ही देखते योगी समेत समूचा जनमानस रंगों में सराबोर हो गया। इस दौरान जय श्री राम के नारों के बीच उत्सवी उल्लास आसमान पर था। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक डॉक्टर पृथ्वीराज, प्रांत सह संचालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल, प्रांत प्रचारक सुभाष जी, सांसद रवि किशन शुक्ल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, श्री होलिकोत्सव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण प्रकाश मल्ल, महामंत्री मनोज जालान, वाराणसी से आए महामंडलेश्वर सतुआ बाबा, कालीवाड़ी के महंत रविंद्र दास मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां होली के मौके पर जनमानस पर रंगों और गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात की, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी होली को विदेशी मेहमान के साथ मनाया। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके लिखा, होली के शुभ अवसर पर अपने आधिकारिक निवास पर संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य सचिव सुश्री जीना रायमोंडो की मेजबानी करके प्रसन्नता हो रही है। साथ ही ट्विटर हैंडल से होली खेलते हुए तस्वीरें भी साझा की। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के यहाँ होली के जश्न में अमेरिकी वाणिज्य मंत्री भी शामिल हुई। देश के विदेश मंत्री, खेल मंत्री समेत कई नेता भी इस मौके पर मौजूद थे। दरअसल अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो को बतौर गेस्ट कार्यक्रम में बुलाया गया था। इस दौरान जीना रायमोंडो को ढोल पर नाचते हुए भी देखा गया। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। हो
होली का अपना ही एक रंग होता है। इनमें हर कोई खुद को रंगने से रोक नहीं पाता है, लेकिन सैफई की होली इस बार फीकी रही। नेताजी के निधन के बाद इस होली पर पूरा यादव कुनवा एकजुट तो हुआ, लेकिन होली के वो रंग नहीं दिखे जैसे हर साल भवता के चटक रंग होते थे। हाँ, नेताजी के ना होने पर भावनाओं के रंग जरूर नजर आए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इन फूलों के रंग कहां उतने गहरे लगते हैं, इस बार तो मेलों के झूले भी ठहरे ठहरे लगते हैं। ये दो पंक्तियां अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव के लिए लिखी हैं। होली के मौके पर भावुक होते हुए अखिलेश ने तस्वीरें शेयर की। सैफई की होली इस बार फीकी रही। नेताजी के निधन के बाद इस होली पर पूरा यादव कुनबा एकजुट तो हुआ, लेकिन होली के वो रंग नहीं दिखे जैसे हर साल भव्यता के चटक रंग होते थे। हाँ, नेताजी के ना होने पर भावनाओं के रंग जरूर नजर आए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यादव परिवार कुछ सूना सूना दिखाई दिया। इटावा जिले के मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होली मिलन के लिए पहुंचे, लेकिन उत्साह की कमी दिखाई दी। शिवपाल सिंह यादव ने भी भाई मुलायम सिंह यादव को होली के मौके पर सैफई पहुंचकर याद किया, साथ ही चंद पंक्तियां भी लिखी। यह होली बिना रंगों की है। आदरणीय नेताजी के बिना सैफई की होली की कल्पना करना मुश्किल है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सभी पर पूज्य नेताजी का स्नेह, आशीर्वाद और विचारों के विविध रंग बरसते रहें। नेताजी हमारी स्मृतियों में सदैव अमर रहें। होली के मौके पर चाचा भतीजा दोनों ही भावुक नजर आए। वैसे तो बड़ी संख्या में प्रदेश के कई जिलों के पार्टी नेता और कार्यकर्ता सैफई पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर अखिलेश यादव समेत पूरा परिवार ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं पिछले तीन दिनों से आवास पर शांतिपूर्वक तरीके से होली मिलन की तैयारियां की जा रही थी। जहां अखिलेश के साथ मंच पर दोनों चाचा हैं, पीछे परिवार के कुछ सदस्य, तो इस बार अखिलेश यादव ने सैफई में अपने दोनों चाचाओं के साथ होली तो खेली, लेकिन बिना रंगों वाली। इस दौरान अखिलेश इमोशनल भी नजर आए। वो नेताजी के समाधि स्थल पे भी गए, पुष्पांजलि अर्पित की तो तस्वीरें शेयर कर एक भावुक संदेश भी दिया। वहीं यही हाल परिवार के बाकी सदस्यों का भी रहा। चाचा शिवपाल हो या राम गोपाल यादव, दोनों ने नेताजी की समाधि स्थल पहुंचकर नेताजी को फूल चढ़ाए। बहरहाल अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के एक साथ आ जाने से समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत होता दिखाई दे रहा है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके दोस्त और को एक्टर अनुपम खेर ने ट्वीट कर उनके निधन की खबर दी। सतीश कौशिक का एनसीआर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। नेताओं के साथ कलाकारों ने ट्वीट कर सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि दी। पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर है। पिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। एक छोटा सा बक्सा लेकर मुंबई आए थे सतीश कौशिक। जमाने भर की मोहब्बत लेकर जा रहे हैं। निजी जीवन में जिस पर गमों का पहाड़ हो, उसने आजीवन सबको हंसना सिखाया। तो ये कहना बहुत जरूरी हो जाता है कि सतीश कौशिक जी, आपका धन्यवाद। न जाने किस गली में जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए,
ये कोई नहीं जानता है। कल तक जो रंगों के रंग में नजर आ रहे थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। मशहूर अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। निधन से एक दिन पहले ही उन्होंने होली के जश्न को लेकर ट्वीट भी किया था। होली मनाने के बाद वह दिल्ली में एक रोड ट्रिप पर थे, जहां कार में ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। पिछले कुछ सालों से कौशिक का वजन भी लगातार बढ़ रहा था। वह मोटापे की समस्या से पीड़ित थे। डॉक्टर बताते हैं कि मोटापा हार्ट अटैक का एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। मोटापे से पीड़ित व्यक्ति में हार्ट अटैक आने का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में काफी ज्यादा होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ज्यादा मोटापे की वजह से ही सतीश कौशिक को दिल की बीमारी हो गई थी, या मौत की कुछ और वजह है। खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन किसी का यूं अचानक हमारे बीच से चले जाना दुखद होता है। सबसे पहले अभिनेता अनुपम खेर ने सतीश कौशिक के निधन की जानकारी दी। खेर ने बताया कि कौशिक दिल्ली में अपने एक दोस्त के घर पर थे, जब उन्होंने बेचैनी होने की शिकायत की। खेर ने कहा, बेचैनी महसूस होने के बाद कौशिक ने चालक से उन्हें अस्पताल ले जाने को कहा। देर रात करीब 1 बजे उन्हें अस्पताल जाते समय रास्ते में ही दिल का दौरा पड़ा। सतीश कौशिक का DDU अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंप दिया गया है। अभिनेता सतीश कौशिक के निधन पर पीएम मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंजाब के सीएम भगवंत मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह और राजनाथ सिंह, कई बड़े नेताओं ने शोक जताया है। सिर्फ नेताओं ने ही नहीं, बल्कि फिल्म जगत से तमाम हस्तियों ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रियंका चोपड़ा, सोनू सूद, अभिषेक बच्चन, पंकज त्रिपाठी, करीना कपूर जैसी तमाम बॉलीवुड हस्तियों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि कौशिक को दी। बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का निधन हो गया। वह 66 वर्ष के थे। 13 अप्रैल 1956 में हरियाणा के महेंद्रगढ़ में सतीश कौशिक का जन्म हुआ था। दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद सतीश कौशिक ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया था। 1983 में आई जाने भी दो यारों फिल्म से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई थी। सतीश कौशिक ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। साल 1993 में रूप की रानी, चोरों का राजा से बतौर निर्देशक उन्होंने अपनी पारी शुरू की। इसके बाद 1 दर्जन से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया। सतीश कौशिक को अभिनय में पहचान मिस्टर इंडिया फिल्म से मिली। इस फिल्म में उन्होंने कैलेंडर का किरदार निभाया था। अनिल कपूर की ज्यादातर फिल्मों में सतीश कौशिक नजर आए। उन्होंने हास्य के साथ साथ गंभीर किरदारों को भी निभाया। सतीश कौशिक को 1990 में फिल्म रामलखन और 1997 में फिल्म साजन चले ससुराल के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। सतीश कौशिक ने 7 मार्च को आखिरी ट्वीट किया था, होली पार्टी कर वे बेहद खुश थे और होली में शामिल लोगों को खास तौर पर टैग किया था। सतीश कौशिक की खास बात यह थी कि वे उदास और निराश नहीं होते थे। सतीश कौशिक अक्सर रूप की रानी, चोरों का राजा के फ्लॉप होने का मजाक उड़ाते थे। बोनी और अनिल कपूर भी सतीश कौशिक पर रूप की रानी, चोरों का राजा के फ्लॉप होने को लेकर किस्से सुनाया करते थे। रूप की रानी, चोरों का राजा बहुत बड़े बजट की फिल्म थी। इस फिल्म के फ्लॉप होने से बोनी और अनिल कपूर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी उनके रिश्ते सतीश कौशिक से हमेशा अच्छे बने रहे। जहां फिल्म मिस्टर इंडिया और दीवाना मस्ताना में सतीश की शानदार एक्टिंग को लोग आज भी याद करते हैं, तो वहीं बतौर डायरेक्टर रूप की रानी, चोरों का राजा, तेरे नाम, हम आपके दिल में रहते हैं, कागज जैसी फिल्मों को उन्होंने बखूबी निभाया है। सतीश कौशिक के लिए 10 अगस्त खास होता था। उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर इस बारे में बताया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं एक्टर बनने के लिए 9 अगस्त 1979 को
पश्चिम एक्सप्रेस से मुंबई आया था। 10 अगस्त मुंबई में मेरी पहली सुबह थी। मुंबई ने मुझे दोस्त दिए, काम दिया, बीवी दी, बच्चे दिए, घर दिया, प्यार दिया, संघर्ष भी रहा, सफलता भी मिली, असफलता भी हाथ लगी और खुशी से जीने का साहस दिया। गुड मॉर्निंग मुंबई और उन सभी को जिन्होंने मुझे मेरे ख्वाबों से ज्यादा दिया, शुक्रिया। लोग अच्छे हैं, बहुत दिल में उतर जाते हैं। एक बुराई है तो बस ये है कि मर जाते हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।